जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SG स्टडी पे। दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम कल से शुरू होने वाला है। बहुत सारे बच्चे नए कैंडिडेट होंगे जिनको पता नहीं होगा मेरे भाई कि एग्ज़ाम सेंटर पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और वो गलती से कोई और डॉक्यूमेंट ले जाते हैं जिनके कारण उन्हें एंट्री नहीं मिलता, फिर वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो इस वीडियो में पूरा हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और आपको उसी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। अगर दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो तो फिर आप लोग का समझ जाओ कि एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगा, फिर अपना एग्जाम गवा दोगे। तो इतना मेहनत की हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्लेमर पे आते हो, जैसे कि एडमिट कार्ड होगा उसके बाद आप लोग अपना नीचे देखोगे डिस्क्लेमर, ये उसके बाद वार्निंग अगेंस्ट मतलब प्रैक्टिस एंड इम्परसोनेशन के बारे में आप लोगों को बताया गया, ठीक है। तो ये सब आपको बताया गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको केयरफुल्ली पढ़ने के लिए बोला गया। तो इसमें सबसे पहले देखो कि क्या रखना है। सबसे पहले देखो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि दूर उनका एग्ज़ाम सेंटर चल जाता है तो वो सोचते हैं कि हम चेंज करवा लेंगे, अगले दिन जाके एग्ज़ाम दे देंगे वहीं पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस डेट को आप लोग को एग्ज़ाम है, ठीक है, जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम है उसी दिन और जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम है उसी शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। आप सोचोगे दूसरा शिफ्ट में दे तो नहीं होने वाला मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है आप लोग को कि एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है, जो भी आप लोग का टाइमिंग है, जैसे कि समझ लो किसी का 8 बजे से एग्ज़ाम होगा, मान लो एक 8 बजे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे नहीं पहुंचना है, उससे आधा घंटा पहले वहां पे जाके पहुंचो मेरे भाई, वहां पे कुछ देर इंतज़ार कर लो, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन आप लोग एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचते हो ना तो कभी कभी एंट्री नहीं देते हैं भाई, और जब एंट्री नहीं मिलेगा तो फिर बहुत रोना आता है, अगर आप लोग का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो, अच्छा खासा तैयारी हो तो, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ एग्ज़ाम सेंटर पर जो भी एंट्री का जो टाइमिंग दिया गया ना, एंट्री से ठीक आधा घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोगों को पहुंच जाना है, ठीक है। पहला काम ये ज़रूर कर लेना। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन चीज़ लेकर जाना है। तो सबसे पहले आप लोग यार ना, ये जो एडमिट कार्ड आप लोगों को शो हो रहा है, ये एडमिट कार्ड, ठीक है, ऊपर में एडमिट कार्ड है, ठीक है। तो ये जो एडमिट कार्ड आप लोग का शो हो रहा है, सबसे पहले आप लोग एडमिट कार्ड निकलवा लेना। ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज निकालो या नहीं निकालो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड को आप लोगों को ज़रूर निकलवाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पहला आप लोग एडमिट कार्ड कैसा निकलवाना है सर, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है या कलरफुल निकलवाना है, कैसा निकलवाना है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लो, मस्ट ब्रिंग कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एट द एग्ज़ाम सेंटर। यानी कि आप लोग का एडमिट कार्ड जो होगा मेरे भाई, वो होगा मेरे भाई कलरफुल में। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लिए मेरे भाई, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लिए होंगे, वो क्या करना भाई, अभी ही जाके कलरफुल एडमिट कार्ड निकलवा लेना, वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि एडमिट कार्ड कैसा चाहिए मेरे भाई, कलरफुल एडमिट कार्ड चाहिए। अभी हम बात करेंगे दोस्तों नेवी एमआर की बेस्ट बुक जो कि चच्चू पब्लिकेशन के, बुक को मैंने खुद देखा मेरे भाई, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बुक को बनाया गया है, पूरा सिलेबस को कवर किया गया, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई आप लोग देख सकते हो नेवी SSR की, अगर आप लोग तैयारी करते हो तो उसके लिए बुक बनाया गया, दोनों बुक का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, फटाफट जाइए दोनों बुक को खरीदिए और आप लोग अपना जो प्रिपरेशन है और भी बेहतर बनाइए मेरे भाई। तो पहला चीज़ ये है कि पहला जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट कैरी करना है, आप लोगों का एडमिट कार्ड लेकर जाना है पहला, सबसे पहला, और कलरफुल एडमिट कार्ड, फोटो स्टेट मत निकलवाना मेरे भाई, आप लोगों को पता है ना कलरफुल और जो होते हैं मतलब कि वो निकलवाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो पहला जो होगा आप लोग को एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो चीज़ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा गया है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउ एंट्री विदाउट दिस हॉल टिकट। यानी कहने का मतलब है कि बिना एडमिट कार्ड का आप लोग को एंट्री नहीं मिलने वाला है हॉल में, ठीक है। सोचोगे कि एडमिट कार्ड खो गया सर, खो गया मुझे जाने दीजिए, ऐसे वैसे कुछ नहीं वहाँ पर सुना जाएगा मेरे भाई। एडमिट कार्ड आप एक दो एक्स्ट्रा निकलवा के चले जाना, हो सकता है कि भाई वर्षा का मौसम में वर्षा ही हो जाए तो पानी में वो अगर भीग जाए भाई, आप खो ही गया, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा निकलवा के रख लेना अगर अपना अपना सुरक्षा के लिए, ठीक है, वो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या लेना है, एक एडमिट कार्ड कलरफुल निकलवा लेना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट लगेगा, एक आप लोग को यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड एज वेल एज वंस ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, विच द कैंडिडेट हैज मेंशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो चीज़ दिया है उसका एक फ़ोटो कॉपी आप लोगों को, मतलब कि फ़ोटो कॉपी चाहिए वो नहीं, लेकिन ओरिजिनल कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ओरिजिनल कॉपी। देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, आधार कार्ड लिखा होता है कि आधार कार्ड लेकर जाना है, तो बच्चे क्या करते हैं आधार का फोटो स्टेट करवा के यानी कि फोटो कॉपी लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगा, आपको सीधा घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ लेकर जाना है ओरिजिनल, एडमिट कार्ड भी लेकर जाना है तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड कलरफुल निकलवाना है। दूसरा हम बात करते हैं कि आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, तो आधार कार्ड भी आप लोगों को किस कैसा लेकर जाना है, ओरिजिनल वाला आधार कार्ड लेकर जाना है, यानी कि इसका फोटो स्टेट, तो फिर आप लोग को
आउट कर दिया जाएगा। पहला ओरिजिनल एडमिट कार्ड, दूसरा आप लोग को आधार कार्ड लेकर जाना है। देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फोटो, आधार कार्ड, उसके बाद यहाँ पर देखो कि मेंशन द ड्यूरिंग प्रोसेस आप लोग का, इन केस यहाँ पर यू डिटेल डू नॉट मैच आइडेंटिटी प्रूफ सबमिटेड द टाइम ऑफ एग्जाम, यू विल नॉट बी अलाउड टू रीड राइट द एग्जाम एंड योर कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड स्टैंड कैंसल। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो भी दिया गया है आधार के अंदर और जो आप लोग का एडमिट कार्ड के अंदर और आप सामने में, अगर वो सब चीज़ नहीं मिलता है मेरे भाई, तो फिर आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम से आउट कर दिया जाएगा। अब देखो, जो बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है, ठीक है, आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आधार कार्ड के जगह पर देखो फोटो आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी कार्ड के लिए आप लोग 10वीं की या 12वीं की मार्कशीट भी ले सकते हो, लेकिन उसमें फोटो होना चाहिए मेरे भाई, 10वीं या 12वीं के सर्टिफिकेट, 10वीं का ले जाना, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ भी होता है और फोटो भी होता है, ठीक है। अगर जिसके पास आधार नहीं है, लग रहा है कि आधार में कुछ दिक्कत लग रहा है, तो वो ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आधार में किसी का डेट ऑफ बर्थ ही चेंज होता है, ये वो, तो वो अपना ले जा सकते हैं। या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जा सकते हो, जिसमें फोटो होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हो, कोई एक लेके जाना है, या पैन कार्ड भी लेके जा सकते हो, ठीक है, कोई एक लेके जाना। आधार कार्ड सबके पास होता है, इजीली आधार कार्ड लेके जाना। आधार कार्ड में लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग 10वीं की क्या ले जा सकते हो, सर्टिफिकेट नहीं तो पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ये नॉर्मली सबके पास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ कोई एक लेके जाना है, जरूरी नहीं सब लेके जाना है। आधार कार्ड रख लिया, हो गया, एडमिट कार्ड रख लिया, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा आप लोग दो फोटो रख लेना, जो एडमिट कार्ड पे फोटो था ना, वही फोटो आप लोग रख लेना, कोशिश करना वही फोटो, अगर वो नहीं है तो फिलहाल मैं दूसरा भी फोटो क्लिक करके आप लोग ले जा सकते हो, लेकिन दो फोटो आप लोगों को क्या होनी चाहिए मेरे भाई, आपके पास होनी चाहिए, दो फोटो आपके पास लेकर जाना है वहाँ पर आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी ऑफ आधार कार्ड। मैं पहले ही बताया कि आधार कार्ड आपको ले जाना बहुत नेसेसरी है, और वो भी ओरिजिनल, फोटो स्टेट आप लोग बिल्कुल मत लेके जाना, नहीं तो फिर आप लोग का दिक्कत हो जाएगा, ठीक है मेरे। आप लोग देख सकते होल हो गया, ईयरफोन हो गया, वॉच हो गया, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया। अगर आप लोग और जमा कर देना मेरे कुछ भी महंगा चीज है वो आप लोग ना ले जाए तो वही सही है, वो चीज़ पर बताया गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो एग्ज़ाम के लिए टाइम है, ड्यूरेशन है, वो सब कुछ बताया गया, कैसे क्या होगा, कितने नंबर का क्या है, सब कुछ आप लोग यहाँ पर देखो। ये सब तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा हूँ लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में, तो आपको मैं बताया कि डॉक्यूमेंट में आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। तो पहला आप लोग का एडमिट कार्ड कलरफुल आप लोग का चाहिए, दूसरा आप लोग क्या ले जाना, अपना आधार कार्ड लेकर जाना मेरे भाई, वो भी ओरिजिनल लेकर जाना। तीसरा आप लोग को अपना दो फोटो लेकर जाना जो कि एडमिट कार्ड पर चिपका हुआ है, इतना चीज़ लेकर जाओ, आपको आराम से एग्ज़ाम सेंटर में बैठने दिया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मिलेगी, कोई दिक्कत का सीन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, जिनका कल एग्जाम है उन तक वीडियो पहुंचेगा तो उनको हेल्प मिलेगा मेरे भाई, उनको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेवी के अंदर एग्जाम कैसे होता है ऑनलाइन, इन सब पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, अगर चाहिए तो मैं फिर से बना के बता सकता हूँ आप लोग, बस लिखना नेवी में ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है बाई एसजी स्टडी लगाना, वीडियो मिल जाएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, क्योंकि कल से क्वेश्चन जो भी होगा ना एग्जाम का रिव्यू का सारा यहाँ पर डलने वाला, यूट्यूब पर डलेगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, इस वीडियो को फैला दीजिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।